क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। इन जंतुओं में नोटोकॉर्ड मेरुदंड में रूपांतरित हो जाता है। ये विकास की एक और कड़ी है। इन जंतुओं में पूर्ण विकसित देह गुहा के अलावा शरीर के अंतर अंतः कंकाल भी पाया जाता है। शरीर में पेशियों का वितरण कुछ इस प्रकार होता है कि पेशियां और कंकाल गति में सहायक होते हैं। इस वर्ग को फिर से 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है और ये वर्ग हैं मत्स्य यानी पाइसेस। कुछ प्रकार की मछलियां समुद्री या खारे जल में पाई जाती हैं, तो कुछ साधारण या मीठे जल में। सभी मछलियों की त्वचा शल्कों से ढकी होती है। धारा रेखीय शरीर पानी में तैरने के लिए अनुकूलित होता है। श्वसन क्लोम द्वारा किया जाता है। हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। मछलियां अंडे देती हैं। शार्क विद्युत रे, स्टिंग रे और स्कॉलियोडॉन आदि मछलियों में कंकाल उपस्थित होता है, जबकि अन्य मछलियों जैसे रोहू कतला और एनाबास आदि में कंकाल अस्थियों का बना होता है। इन जंतुओं की त्वचा पर शल्क नहीं होते, बल्कि श्लेष्म ग्रंथियां यानी म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिससे पूरे शरीर की त्वचा चिकनी बनी रहती है। हृदय में 3 कक्ष होते हैं। श्वसन क्लोम अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। कभी कभी मुख गुहा यानी बक्कल कैविटी तथा त्वचा यानी क्यूटेनियस भी होता है। जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, ये जल तथा स्थल दोनों ही माध्यम का उपयोग अपना जीवन चक्र पूरा करने में करते हैं। इस वर्ग के प्रमुख प्राणी मेंढक यानी फ्रॉग, सेलेमेंडर, टोड तथा हाइला आदि हैं। सभी अकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स प्रोटोकॉर्डेटा मत्स्य यानी पाइसेस तथा जल स्थल चर यानी एम्फीबिया जैसे वर्टिब्रेट्स जंतुओं की तरह सरीसृप भी असमतापी यानी कोल्ड ब्लडेड जंतु हैं, अर्थात शरीर का तापक्रम वातावरण के तापक्रम के अनुसार बदलता है। इनका शरीर शल्कों से ढका रहता है। जल स्थल चर की तरह ये अंडे जल में नहीं देते। हृदय सामान्यतः 3 कक्ष वाला होता है, 2 आलिंद यानी ओरिकल और 1 निलय यानी वेंट्रिकल। निलय में विभाजन प्रारंभ हो जाता है तथा मगरमच्छ में ये 4 कक्ष यानी 4 चैम्बर्स वाला हो जाता है। अंडे कठोर कवच से ढके होते हैं। इस वर्ग के प्रमुख प्राणियों में कछुआ, सांप, छिपकली और मगरमच्छ आदि हैं। ये सभी जंतु रेंगकर चलते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु समतापी यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। हृदय 4 कक्षों में विभक्त होता है। 1 जोड़ा अग्रपाद यानी 4 लिम उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। सभी पक्षी इसी वर्ग में आते हैं। शरीर परों यानी फेदर से ढका होता है। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। पक्षी वर्ग की तरह इस वर्ग के भी प्राणी समतापी यानी वार्म ब्लडेड होते हैं।
तथा हृदय चार कक्षों यानी फोर चैम्बर्स में बटा होता है। त्वचा पर बाल यानी हेयर, श्वेत ग्रंथियां यानी स्वेट ग्लैंड्स तथा तेल ग्रंथियां यानी ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। इस वर्ग के जंतु शिशुओं को जन्म देते हैं, कुछ अपवाद स्वरूप अंडे भी देते हैं। एकिडना तथा प्लैटिपस अंडे देने वाले स्तनपाई हैं। कुछ स्तनपाई अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं, जिन्हें मादा मार्सुपियम थैली में तब तक रखती है जब तक कि बच्चों का विकास ना हो जाए। तो इस तरह हमने आज जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी को समझा और ये भी जाना कि जीवों में उत्तरोत्तर क्रमिक विकास हो रहा है और वो सरल से जटिल बनते जा रहे हैं। हमने पादपों के विभिन्न वर्ग थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, पेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में जाना और इसी प्रकार जंतुओं में पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा, प्लैटीहेलमिंथीज, निएटोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा तथा इनके वर्ग मत्स्य, एम्फीबिया, सरीसृप, पक्षी तथा स्तनपाई में क्रमिक विकास और जटिलता का प्रमाण देना और उनके उदाहरण देखकर सरलता से जटिलता की बात भी स्पष्ट हो गई। थैलोफाइटा वर्ग के पादप जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं है, तो ब्रायोफाइटा में विभाजित तो है लेकिन उनमें संवहन बंडल यानी वास्कुलर बंडल नहीं है। इसके बाद वाले वर्गों में संवहन बंडल मिलते हैं। पेरिडोफाइटा में संवहन बंडल तो है लेकिन बीज नहीं है। जिम्नोस्पर्म में बीज तो है लेकिन फल भित्ति से ढके नहीं है। इस तरह पादप वर्ग का क्रमिक विकास देखने को मिला और इसी तरह जंतुओं के विभिन्न वर्गों में क्रमिक विकास देखने को मिला तथा जैव विविधता को सही अर्थों में जाना है।